हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक इन माय किचन। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम बनाने जा रहे हैं स्क्रैम्बल्ड एग। स्क्रैम्बल्ड एग बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, नोट करें। स्क्रैम्बल्ड एग बनाने के लिए हमने लिए है 4 अंडे। अब 4 अंडे को ब्रेक कर लें एक बोल में। तो हमने 4 अंडे को ब्रेक कर लिए एक बोल में। अब इसमें थोड़ी सी नमक डालें स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से फेटेंगे 2 मिनट तक अच्छे से। हमारा एक मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब एक फ्राई पैन लें, उसमें 2 टेबलस्पून बटर डालें। अब बटर को अच्छे से गर्म होने दें। ध्यान रखें अपना गैस का फ्लेम लो रखें क्योंकि हमें स्क्रैम्बल्ड एग को लो, बिल्कुल लो फ्लेम में बनाना है। तो बटर हमारी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। अब इसमें ब्रेक किया हुआ अंडा जो है वो डाल दें, इस तरह से डालें। अब इसमें जब तक बबल्स हमें शुरू ना हो तब तक इसे कुछ ना करें। अब इसमें बबल्स आना शुरू हो गया तो अब हम क्या करेंगे, एक स्पून लेंगे और ऐसे हल्के हल्के से इसे स्टर करेंगे, इस तरह से हल्के हाथों से साइड से स्टर करते रहें, इस तरह से। इसे ज्यादा ना स्टर करें। अब फिर से कोने कोने से हम अच्छे से स्टर कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह से करें और इसे अच्छे से पकने दें। अब इसे इस तरह से चलाएं, मिक्स करें। हमारा अंडा जो अच्छे से पक चुका है तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें एक बार। ध्यान रहे इसे ज्यादा ना पकाएं। तो हमारा स्क्रैम्बल्ड एग हो चुका है। गैस को ऑफ कर दें, एक बार ऐसे मिक्स करें। अब हम क्या करेंगे, एक तवा लेंगे, ब्रेड में बटर लगाएंगे और ब्रेड को अच्छे से सेकेंगे गैस में। हम ब्रेड का दोनों साइड अच्छे से ब्राउन करेंगे। अच्छे से ब्रेड को दोनों साइड से पकाएं बटर लगा के। अब हम स्क्रैम्बल्ड एग के ऊपर से ब्लैक पेपर डालेंगे और जो हमने ब्रेड को सेक लिया है उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हमारा स्क्रैम्बल्ड एग विद टोस्ट बन चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।